आज हम बना रहे हैं दाल गोश्त, और जो चीज़ दाल गोश्त में लगती है वो सब मैंने ली हूँ यहाँ पे। मैंने अपने हिसाब से ली हूँ एक कटोरी तुअर की दाल, मसूर की दाल और चने की दाल, और प्याज ली हूँ दो, टमाटर ली हूँ दो, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और कोथमीर, पुदीना, लहरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का लास्ट में बघार दूंगी। और ये मटन है, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, बीफ का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं। और लूंगी मैं दुधिया बघारने के लिए, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, प्याज और गार्निश के लिए कोथमीर, पुदीना और लहरी मिर्ची। के बाद हमें तुअर दाल, मसूर दाल और चने की दाल को अच्छी तरह से पानी से धो के उसे बॉईल करना है और घोट लेना है। दाल को हमको एक बर्तन में निकाल लेना है, जो बर्तन में आपको दाल गोश्त बनाना है, तपेली हो, पॉट हो, जैसा भी आपको। फिर कुकर के अंदर ऑयल लीजिए, उसमें दो प्याज डालिए, खड़े गरम मसाले डालिए और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक के पकाइए। अब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसमें हम ऐड करेंगे मटन। गोश्त डालने के बाद उसे थोड़ी देर चलाएंगे और इसमें हम डालेंगे हमारे सूखे मसाले। टमाटर और थोड़ा सा पानी, इसे अच्छी तरह से मिला के सीटी लगा के गलने के लिए रख देंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए तो उसे अच्छी तरह से भून लीजिए और उसमें दूधी ऐड करके उसे भी 2 मिनट के लिए भून लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और दूधी को अच्छी तरह से गला लीजिए। दूधी अच्छी तरह से गल जाए तो हमें गोश्त और दूधी के इस मसाले को बॉईल की हुई दाल में ऐड करना। और अच्छी तरह से मिला लेना है। अब एक बर्तन में थोड़ा सा घी और तेल लेके हमें प्याज लाल करनी है, ज़ीरा और कड़ी पत्ते का बघारा तैयार करना है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और कड़ी पत्ते का बघारा, कोथमीर, पुदीना और कुछ हरी मिर्ची और इसे 5 से 10 मिनट पकाने के लिए छोड़ देंगे। फाइनली दाल गोश्त रेडी हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।